हम मुसलमानों में से हर मुसलमान ईमान पर मरना चाहता है, लेकिन ईमान पर जीना क्यों नहीं चाहता? हज़रत अली ने फरमाया, मुसीबत के वक्त घबरा जाना मुसीबत से बड़ी मुसीबत है। ज़िंदगी में जब भी तुम गिरते गिरते संभल जाओ तो समझ लेना कि तुम्हारी दुआओं ने तुम्हें थाम लिया है। रूहें अपनी जैसी रूहों को ढूंढ लेती हैं, ये ताकत उन्हें अजल से वदियात कर दी गई है। जो रब अनार के दानों को तरतीब देने पर कुदरत रखता है, बेशक वो रब हमारे हालात बदलने पर भी इख्तियार रखता है। जिसे हम जवाब नहीं देते उसे रब जवाब देता है, और जिसे रब जवाब देता है तो लाजवाब कर देता है। गुरूर किस चीज़ पर? दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। कब्रों के अंदर ऐसे लातादाद लोग दफन हैं जिन्होंने कल से नमाज शुरू करनी थी। मेरी औकात तो एक दिन सफ़ेद चादर की रहेगी, जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत तक मेरी नहीं रहेगी। पांच नमाजों की तरफ तवज्जो करो, इसलिए कि कितने ही सुबह करने वाले ऐसे हैं जिन्हें शाम नसीब नहीं होती। ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल, कहावत है कि खाली हाथ घर जाया नहीं करते। बग़ैर लिबास आए थे इस जहां में, बस एक कफन की खातिर इतना सफ़र करना पड़ा।